आज के वीडियो में मैं आपको डिवाइस बाय डिवाइस बताऊंगा रियलमी के स्मार्टफोन में हमें एंड्राइड 12 के साथ में रियलमी UI 3.0 का ऑफिशियल वर्जन आई मीन स्टेबल वर्जन एट लास्ट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। रियलमी तरफ से एंड ऑफ अपडेट के साथ में हमें कौन कौन से नए फीचर देखने को मिलेंगे, अपडेट की फाइज क्या होगी, अपडेट का फुल प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो के साथ में। फेयर हो सके तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के थ्रू आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एजू मेनो फायदा आपको पता होगा, अक्टूबर 2021 में रियलमी GT डिवाइस में हमें एंड्रॉइड 12 के साथ में 3.0 का फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट देखने को मिला था। फिर उसके बाद Realme GT Neo 2, Realme Axion Max 5G, साथ ही साथ Realme 8 Pro डिवाइस में हमें 3.0 का फर्स्ट बैच या फिर सेकंड बैच बीटा सपोर्ट देखने को मिल चुका है। बट अभी भी Realme GT Master Edition डिवाइस में हमें Android 12 के साथ में 3.0 का फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट नहीं मिला, बट ये भी अपडेट आपके डिवाइस में 25 तारीख के पहले पहले देखने को मिल जाएगा। एंड आपको पता होगा ये अपडेट एक बीटा अपडेट है, तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तभी आपके डिवाइस में 3.0 का फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ऑफिशियल वर्जन के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं Realme GT 5G पे। फॉर Realme GT डिवाइस में हमें एंड्रॉइड 12 के साथ में Realme UI 3.0 का ऑफिशियल वर्जन जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक के बाद फिर प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब भाई देखो मैं आपको एक फंडा बताता हूं, Realme UI 3.0 का फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट आपके डिवाइस में जो भी मंथ में देखने को मिलेगा उसके ठीक तीसरे या फिर चौथे मंथ में आपके फोन में 3.0 का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन में हमें तीसरे मंथ में 3.0 का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलेगा, कुछ स्मार्टफोन में हमें चौथे मंथ में 3.0 का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे Realme GT Master Edition डिवाइस में हमें अभी तक 3.0 का फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट भी देखने को नहीं मिला। अब इन सभी स्मार्टफोन में 3.0 का ऑफिशियल वर्जन मार्च 2022 में या फिर अप्रैल 2022 में प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। ऐसा काफी सारे स्मार्टफोन में हो चुका है। हालांकि मैं आपको ओप्पो का फंडा बताऊं तो ओप्पो की तरफ से जो कलर का सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि कलर टूल का सपोर्ट ओप्पो के जो भी स्मार्टफोन में देखने को मिला, ओप्पो रेनो 5 प्रो, रेनो 6 प्रो, रेनो 6, इन सभी स्मार्टफोन में कलर टूल का सपोर्ट देखने को मिल गया। अब इन सभी स्मार्टफोन में जैसे दिसंबर 2021 में कलर टूल का सपोर्ट देखने को मिला, जो कि बीटा वर्जन की बात हो रही है। अगर इनके डिवाइस में ऑफिशियल वर्जन की बात की जाए तो ऑफिशियल वर्जन इनके डिवाइस में ठीक अगले मंथ में प्रोवाइड होता है। अगर नवंबर 2021 में कलर टूल का बीटा सपोर्ट मिला तो कलर टूल का ऑफिशियल वर्जन दिसंबर 2021 में देखने को मिल जाएगा। रेनो 6 प्रो के साथ में ऐसा हुआ। लेकिन अगर Realme की बात करें तो Realme थोड़ा सा लेट लगाता है, जो कि Realme UI 3.0 का सपोर्ट हमें बेड है कलर टूल पे ही आपको पता होगा। Android 12 के साथ में हमें 3.0 विद कलर टूल का सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि कलर टूल के सारे फीचर्स देखने को मिले हैं 3.0 के साथ में। एंड साथ ही साथ आपके डिवाइस में 3.0 का ऑफिशियल वर्जन ठीक तीसरे या फिर चौथे मंथ में प्रोवाइड होगा। वो यहाँ पे Realme GT Neo 2, Realme Axion Max 5G एंड Realme 8 Pro डिवाइस में हमें 3.0 का थर्ड बैच बीटा सपोर्ट भी देखने को मिल चुका है। Realme Axion Max डिवाइस में थर्ड बैच बीटा बिट देखने को मिल गया। लेकिन यहीं पे Realme GT Master Edition डिवाइस में थोड़ा सा डिले हो रहे, 25 तारीख के पहले पहले देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे अप्रॉक्स 4000 यूजर एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि Realme के कौन कौन से डिवाइस में कौन सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एंड आप भी अपने डिवाइस को न्यू वर्जन में अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे क्वार्टर फर्स्ट 2022 में Realme 8, Realme 8 i, Realme Xeon Pro, Realme Xeon Pro, Realme X50 Pro, ये सभी डिवाइस लिस्टेड है। इन सभी डिवाइसों में 3.0 का फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऑफिशियल वर्जन काफी ज्यादा डिले हो सकता है। तो भाई ये सब फंडा रहा फॉर रियलमी यूजर। वीडियो कैसी लगी आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो चली वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।